बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज में दलितों को उनका हक दिलाने में अपना जीवन खपा दिया। उनके संघर्ष के कारण ही दलितों को अधिकार मिले और समाज में उनकी स्थिति को सुधारने का प्रयास हुआ। बाबा साहेब ने दलितों के जीवन से मरण तक के अधिकार सुनिश्चित किए हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आजादी के 20 से 21 साल बाद तक यह पता नहीं चल पाया था कि आखिर बाबा साहेब का जन्म किस स्थान पर हुआ था। 1971 में उनके जन्म स्थान की खोज हुई, वह घर भी मिला जिसमें डॉक्टर अंबेडकर जन्मे थे। लेकिन देखते ही देखते उनके अनुयायियों ने उनकी जन्मस्थली को तोड़ डाला और घर की एक एक ईंट उठा ले गए। नमस्कार, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर बाबा साहेब के अनुयायियों ने उनकी जन्मस्थली का घर क्यों तोड़ दिया था। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दरअसल बाबा साहेब का जन्म मध्य प्रदेश के महू छावनी के एक बैरक में हुआ था। यह बैरक उनके पिताजी रामजी मालोजी सकपाल को अंग्रेजों द्वारा लौट किया गया था। बाबा साहेब के पिता ब्रिटिश भारतीय सेना में तैनात थे। इसी क्वार्टर में 14 अप्रैल 1891 को डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ। लेकिन रिटायरमेंट के बाद उनके पिता यह क्वार्टर छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गए। ऐसे में बाबा साहेब के बचपन से जुड़ी तमाम चीजें लोगों की नजर में आ ही नहीं सकी। 1947 में देश को आजादी मिल गई। 1950 में देश का संविधान भी लागू हो गया। दलितों को अधिकार भी मिल गए। लेकिन जो नहीं मिला वह था बाबा साहेब का जन्म स्थान। कोई उसे ढूंढना ही नहीं चाहता था, या यूं कहें कि तत्कालीन नेताओं को इसकी फिक्र तक नहीं थी। संविधान लागू होने के मात्र 6 साल बाद ही 1956 में बाबा साहेब की मृत्यु हो गई। बाबा साहेब की मृत्यु के बाद उनकी अनुयायियों ने उन जगहों को संजोना शुरू किया जहां बाबा साहेब के कदम पड़े थे, जहां बाबा साहेब ने दलितों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी थी। इस तरह से देश के तमाम हिस्सों में ऐसे जगहों को चिन्हित किया गया और वहां बाबा साहेब के स्मारक बनाए गए या उनकी मूर्ति स्थापित की गई। इसी बीच बाबा साहेब के जन्म स्थान को लेकर पेच फंसा और उसकी खोजबीन शुरू की गई। 1970 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल सोसाइटी के अध्यक्ष भंते धर्मसिंह ने बृहद ढंग से इसकी खोजबीन शुरू की। महाराष्ट्र से बाबा साहेब का गहरा लगाव रहा। उन्होंने अपनी अंतिम सांस भी महाराष्ट्र में ही ली थी। ऐसे में सभी को यही लग रहा था कि बाबा साहेब का महाराष्ट्र से कनेक्शन है। भंते धर्मसिंह ने भी महाराष्ट्र के कोने कोने को छान डाला, लेकिन बाबा साहेब के जन्म से जुड़ा कोई भी सुराग उनके हाथ नहीं लगा। काफी खोजबीन करने के बाद उन्हें पता चला कि बाबा साहेब के पिताजी रामजी सकपाल सेना में सूबेदार थे और मध्य प्रदेश के महू में उनकी पोस्टिंग थी। इसके बाद भंते धर्मसिंह सीधे महू पहुंच गए। काफी मशक्कत के बाद उन्होंने वह बैरक ढूंढ निकाला जहां पर बाबा साहेब के पिता रामजी सकपाल रहते थे। भंते धर्मसिंह को उसी बैरक में बाबा साहेब के जन्म के प्रमाण मिले। बाद में इसकी आधिकारिक जानकारी भी मिली कि बाबा साहेब का जन्म इसी बैरक में हुआ था। वह बैरक 22,500 वर्ग फुट का था। कुछ लोगों की मदद से उन्होंने 1890 के बॉम्बे महार रेजिमेंट के दस्तावेज निकलवाए और केंद्र सरकार ने भी वेरीफाई किया कि सूबेदार रामजी मालोजी सकपाल को कौन सा क्वार्टर आवंटित किया गया था और किस क्वार्टर में बाबा साहेब का जन्म हुआ। फिर क्या था, बाबा साहेब का जन्म स्थान खोजे जाने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। 14 अप्रैल 1991 को डॉक्टर अंबेडकर की 100वीं जयंती पर मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा ने महू स्थित बाबा साहेब अंबेडकर के जन्म स्थान पर एक स्मारक की आधारशिला रख दी। उस दौरान यहाँ लाखों की संख्या में बाबा साहेब की अनुयायी जुटे थे। इस मौके पर वहाँ उपस्थित लोग काफी भावुक थे। इसी दौरान वहां उपस्थित बाबा साहेब का एक अनुयायी इतना भावुक हो उठा कि उसने सोचा कि क्यों न मैं बाबा साहेब के घर की ईंट अपने साथ ले जाऊं और हर दिन उस ईंट की पूजा करूं। ऐसे में उसने ईंट उठा ली और रख लिया। उसे बाबा साहेब के घर की ईंट उठाकर रखते हुए कुछ लोगों ने देख लिया। फिर क्या था, वहां उपस्थित भीड़ बाबा साहेब के घर पर टूट पड़ी और एक एक ईंट को उठाकर अपने साथ ले जाने लगे। 2.5 से 3 घंटे के अंदर बाबा साहेब का जन्म स्थान पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था। हालांकि मौजूदा समय में वहां एक भव्य स्मारक बना हुआ है और वहां बाबा साहेब की अस्थियां भी रखी हुई हैं। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।